दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिश टीवी के पैक को चेंज करने का तरीका बताया था, पर वो तरीका बताया था मैंने डिश टीवी की वेबसाइट पर जाकर उसको कैसे यूज कर सकते हैं। पर दोस्तों मैंने उसमें उस वीडियो को मैंने अपलोड किया था ऐसे 4-5 दिन पहले, यानी कि एक हफ्ता ही लगा लीजिए, और उसको मैंने अपने फेसबुक पे भी पेज पे भी अपलोड किया था। तो दोस्तों वहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप हमें ये बताइए कि आप हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो आप हमें बताइए कि आप मोबाइल के थ्रू से कैसे कर सकते हैं। पर दोस्तों मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि अगर आप आपके पास मोबाइल है और आप मोबाइल के अंदर अपना क्रोम ब्राउजर यूज़ करते हैं तो उसमें 3 डॉट पे जाकर डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लेंगे तो जैसा आप अपनी कंप्यूटर लैपटॉप पे वेबसाइट खोलते हैं वैसे ही वहाँ पे भी अपने मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं। पर शायद कुछ लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आई है और इसीलिए उन लोगों ने मेरे को कमेंट किया था कि आप हमें ये बताइए कि आप हमारे को एंड्रॉयड ऐप के थ्रू हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि जो डिस्ट्रिक वालों का जो एंड्रॉयड ऐप है उन्होंने एक अपडेशन भेजा था मेरे को, जिसको मैंने अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद दोस्तों डिश टी वी का जो एंड्रॉयड ऐप है वो काफ़ी हद तक अपडेट हो चुका है और काफ़ी इजी तरीके से अब काम करने लगा है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा इतना सा ही है कि इस वीडियो को मैं आपको यही बता सकूं कि आप अपने डिश टी वी पैक को आप अपने मोबाइल एंड्रॉयड ऐप के थ्रू आप कैसे चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं डीकोड मनीष। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के अंदर, और फ़ोन के अंदर हम अपने डिश टी वी के ऐप को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं मेरा डिश टी वी का ऐप ओपन हो रहा है यहाँ पे, और ओपन होने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे लॉगिन ऑलरेडी कर रखा है तो आप लॉगिन अपना कर लीजिएगा। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे मेरा नाम आ रहा होगा, मेरा VCC नंबर आ रहा है, मेरा बैलेंस शो हो रहा है यहाँ पे, डेट मेंशन हो रही है। तो चलिए दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है होम, रिचार्ज, गाइड और एडिट पैक। तो आप एडिट पैक पे आप टैप कर लीजिए, और एडिट पैक पे जैसे आप टैप करेंगे तो आपके जो भी एग्जिस्टिंग चैनल या पैकेज जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा होगा पहले वो यहाँ पे शो हो जाएगा, और अगर नहीं शो होता है तो आप नीचे देख पा रहे होंगे टोटल चैनल और एक्सपेंड, तो आप एक्सपेंड पे टैप करेंगे तो वो सारे आपके जो एग्जिस्टिंग चैनल जो आपने पहले से सेलेक्ट कर रखे हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ से अपने सारे चैनल हटा देता हूँ आपको दिखाने के लिए, तो एक एक करके मैं सारे डिलीट कर देता हूँ। और अगर आप यहाँ से एक एक करके डिलीट नहीं करना चाहते, आप एक साथ करना चाहते हैं, तो आप मैं आपको वो भी तरीका बताता हूँ। पहले मैं इसे यहाँ पर डिलीट कर लेता हूँ, तो यहाँ से इसको क्लोज करते हैं, और जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको रीसेट योर सिलेक्शन पे आप टैप कर सकते हैं, तो जो भी आपके बकेट में जो भी चैनल सेलेक्ट हो रखे होंगे वो सारे हट जाएंगे। तो यहाँ से रीसेट योर सिलेक्शन कर लीजिए और यहाँ पे बकेट पे टैप कर लीजिए आप। तो अब आपको सेलेक्ट करना है, तो आपको सेलेक्ट करने के लिए SDSD में चेंज करना होगा, तो आपको यहाँ पे प्लस का साइन नजर आ रहा होगा उस पर आप टैप कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर खुल गया है, यहाँ पे फिल्टर खुलने के बाद आपको जो भी HD में लेना है तो HD में सेलेक्ट कर सकते हैं, और SD में लेना है तो SD में ले सकते हैं। तो यहाँ मैं HD वाला पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले मैंने HD ये ले रखे थे और अब मैं HD में लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे HD और Z का पैक मैं आपको दिखाता हूँ अप्लाई करके फिल्टर। तो यहाँ पे जितने भी हैं Z के पैक खुल चुके हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यहाँ सारे जो भी Z के पैक हैं। और यहाँ पे दोस्तों लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अपनी पसंद की लैंग्वेज आप पसंद कर सेलेक्ट करें, आपके जो भी पैकेज आप देखना चाहते हैं आपकी पसंद की लैंग्वेज में तो वो आप देख सकते हैं, हिंदी, ओरिया, बंगाली, जो भी आप देखना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे हिंदी का ये 60 रुपीज़ वाला पैक को सेलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट, और चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं TV18 की तरफ। तो TV18 पे करते हैं और अप्लाई कर देते हैं, और चलिए TV18 के सारे जो भी HD के बकेट जो पैक हैं वो यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। चलिए इसे भी जल्दी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ इसको, ये 35 वाला जो कलर्स वाला हिंदी पैक है इसको मैं यहाँ से देख लेता हूँ इसमें चैनल कौन से हैं। तो जी हाँ, मेरे मतलब के सारे ही हैं, हिस्ट्री TV जो ज़्यादातर मैं देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे, और इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपने सारे जो चैनल हैं, चाहे TV18 के हो, चाहे Z के हो, चाहे सोनी के हो, चाहे स्टार के हो, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको ये दो तरीके बता दिए हैं, मतलब आपको मैंने तरीका बता दिया आप कैसे करेंगे, और बाकी मैं जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो को, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और आप अपने पसंद के चैनल अपने पैकेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं फटाफट। तो चलिए मैं यहाँ से आपको मिलता हूँ लास्ट में, भी इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, फिर बताता हूँ इसका आगे का प्रोसेस कैसा है। तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड चल रही है, और यहाँ पे फटाफट मैंने सिलेक्शन की जो थी प्रोसेस थी वो यहाँ पे कंप्लीट कर दे रहा हूँ।
यहाँ पे मैं सारे अपने जितने भी पैक हैं यहाँ पे मैं वो सारे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ अपनी पसंद के। आप देख रहे होंगे बीच बीच में चेक भी कर रहा हूँ कि कहीं मैं कोई मैं चैनल भूल तो नहीं गया। तो चलिए दोस्तों लास्ट का भी हम ये कर लेते हैं और ये मेरा डिस्कवरी चैनल भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं एक्सपेंड, तो ये मेरे सारे चैनल जो थे यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ से हम ओके करेंगे और ओके करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे चैनल शो कर रहा है और यहाँ पे मेरी बकेट उसमें भी दिख रहा होगा। और यहाँ पे मेरे देख सकते हैं आप दो नीचे जो मेरे दूसरे कनेक्शन है उसमें मैं अनचेक कर दूंगा, प्रोसीड पे क्लिक करूंगा और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टोकन नंबर मिल चुका है और आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए जा चुकी है। अब दोस्तों होता क्या है कि यहाँ प्रोसेसिंग ना जाने के बाद यहाँ पे आपके टीवी पे आपके विद इन 5 मिनट्स के अंदर जो मेरे जो होता है वो 5 मिनट के अंदर अंदर चैनल चेंज हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाई देता हूँ यहाँ पे लाइव ही, मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं करूँगा इसलिए। तो चलिए मैं अपना कैमरा ओपन कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं मैंने कैमरा ओपन कर चुका हूँ और ये सोनी बीबीसी का चैनल मैं अभी फिलहाल देख रहा हूँ। और आप देख सकते हैं ये नॉर्मल स्टैंडर्ड चैनल है जो हम लोग यूज़ करते हैं। और अब मैं इसको HD में चेंज किया है, इसकी रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में गई हुई है। वैसे होता ही है दोस्तों कि 2-3 मिनट के अंदर चैनल चेंज हो जाता है, तो आप वेट करिए, आप देख सकते हैं मुश्किल से एक मिनट या 2 मिनट के अंदर ये चेंज हो जाएगा। आप देखिएगा और मैसेज भी शो होंगे इसके। और ये वीडियो बिल्कुल रॉ है दोस्तों, मैंने इसमें कोई एडिटिंग नहीं करी है, आप देख सकते हैं। जिससे भी आप भी अपने जो आपका जो एंड्रॉयड ऐप है आप उससे भी आप चैनल चेंज कर सकते हैं इसी तरीके से। आप देखिए अभी आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे एक मैसेज आएगा जिसमें आपको ये देखिए आप आ चुका है वो मैसेज कि आपका ये चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया गया है जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। और HD क्वालिटी का जो है मैंने जो भेजी थी रिक्वेस्ट वो आप चेंज कर लेते हैं HD को। तो चलिए चैनल चेंज करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैसेज भी आ चुका है और मैंने चैनल चेंज भी करा और HD में मेरा चैनल आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपने डिश टीवी के एंड्रॉयड ऐप के इस्तेमाल करके आप अपने डिश टीवी के पैक को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, तो अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।